क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है जो जन्मों तक नहीं बल्कि युगों तक चले? ऐसा प्रेम जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, वह प्रेम जो इस दुनिया के हर बंधन से परे है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम गाथा सुनाने जा रहे हैं जो संसार की सबसे पवित्र प्रेम कहानी है, राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। यह कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपके मन को भक्ति से भर देगी। इस प्रेम की सच्चाई को जानकर शायद आप भी प्रेम के असली मायने समझने लगे। राधा और कृष्ण, ये नाम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। उनके प्रेम में एक ऐसी शक्ति थी जो युगों तक जीवित रही। यह प्रेम सिर्फ एक साधारण प्रेम नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का वो मिलन था जिसे समय या स्थान की कोई सीमा रोक नहीं सकती। वृंदावन की उन पावन गलियों में जब राधा और कृष्ण मिलते तो ऐसा लगता मानो पूरी सृष्टि उस प्रेम को देखने के लिए ठहर गई हो। यमुना के किनारे बांसुरी की मधुर ध्वनि और राधा की मुस्कान, यह वो क्षण थे जब प्रेम ने खुद को परिभाषित किया। राधा का प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, बस अपनी भक्ति और प्रेम अर्पित किया। राधा का प्रेम उस नदी की तरह था जो बिना रुके बिना थके बहती रहती है। कृष्ण उनके लिए सब कुछ थे, उनकी दुनिया, उनकी भक्ति, उनकी आत्मा। राधा के प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिलता है जब उन्होंने अपने सारे सुखों और इच्छाओं को त्याग कर कृष्ण की आराधना की। उनका प्रेम इस संसार से परे था। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, देने में होता है। कृष्ण ने भले ही इस संसार में कई रिश्ते निभाए, लेकिन अत राधा की आती थी तो वह केवल प्रेम के प्रतीक बन जाते थे। कृष्ण ने हर किसी के साथ न्याय किया, लेकिन राधा के लिए उनका प्रेम अद्वितीय था। वह प्रेम जो बंधनों से परे था, वह प्रेम जो किसी अधिकार की मांग नहीं करता था। राधा और कृष्ण का यह दिव्य संबंध हमें बताता है कि प्रेम केवल आत्माओं का मिलन है, वह प्रेम जो हर सांस में, हर धड़कन में बसा रहता है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल इस धरती का नहीं, यह प्रेम तो सृष्टि के हर कण में बसा है। राधा जो कृष्ण की प्रेमिका है, लेकिन यह प्रेम केवल भौतिक आकर्षण नहीं था, यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह वही प्रेम है जिसे संसार की सीमाएं छू नहीं सकती। वृंदावन की गलियों में अक्सर यह प्रश्न उठता है, क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? राधा और कृष्ण का प्रेम एक अद्भुत और अनूठा प्रेम है। यह प्रेम केवल मानव जीवन में नहीं बल्कि सृष्टि के हर कण में बसा है। राधा जो कि वृषभानु राजा की पुत्री है और कृष्ण जो कि यशोदा के लाडले हैं, उनका मिलन एक ऐसे प्रेम की कथा है जो न केवल प्रेमी प्रेमिका के रूप में बल्कि आत्मा के एकत्व के रूप में देखा जाता है। किसी भी प्रेम कहानी की तरह राधा और कृष्ण की कथा भी संघर्षों और कठिनाइयों से भरी हुई थी। राधा का विवाह किसी और से तय हो चुका था, लेकिन उनके दिल में श्री कृष्ण का प्रेम अडिग था। इस प्रेम के कारण उन्होंने समाज के बंधनों को चुनौती दी। यह प्रेम एक अद्वितीय बंधन था जो केवल भौतिकता में नहीं बंधा था। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य प्रेम को एक आधिकारिक बंधन में बंधने का कार्य किया। शादी का आयोजन वृंदावन में हुआ जो राधा और कृष्ण के प्रेम का गढ़ है। उस समय सभी देवताओं और ऋषियों को इस अद्भुत विवाह का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया गया। विवाह की रस्में शुरू हुई और ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य मंत्रों से इस प्रेम को विवाह के बंधन में बांधने का कार्य किया। उन्होंने इस मौके पर सभी उपस्थित लोगों से कहा, यह विवाह केवल राधा और कृष्ण का नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। जब राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो मानो पूरी सृष्टि ने एक नए प्रेम के रंग में रंग लिया हो। सभी देवता, ऋषि मुनि और गोकुल वासियों ने इस अद्भुत क्षण का आनंद लिया। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि कृष्ण के चेहरे पर वह दिव्य मुस्कान थी जो उनके प्रेम का प्रतीक थी। कई बार जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हम उसे केवल शारीरिक या भौतिक स्तर पर समझते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिकता से परे है। राधा को जब भी कृष्ण की याद आती, उनका हृदय एक अलग ही धड़कन में बदल जाता। कृष्ण ने राधा से कहा था
तुम मेरी आत्मा हो। जब तुम मुस्कुराती हो तो मेरा हृदय खिल उठता है। यह प्रेम केवल बातें नहीं थी, यह एक गहरा अनुभव था। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा हमें यह समझाती है कि प्रेम एक अनुभव है, एक भावना है, जो हमें जीवन में हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। राधा और कृष्ण की शादी का महत्व केवल एक बंधन नहीं है, यह एक प्रतीक है कि प्रेम हमेशा हर बंधन को तोड़ सकता है। उनकी शादी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी भी समाज की सीमाओं में नहीं बंधता। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पण और त्याग का प्रतीक माना गया है। यह केवल भक्ति का स्वरूप नहीं, बल्कि यह हमें आत्मा की गहराई से जोड़ता है। यही कारण है कि हम आज भी इस प्रेम कथा को सुनते हैं और इसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। इस प्रकार राधा और कृष्ण की प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम का महत्व क्या होता है। यह एक दिव्य बंधन है जो हमें सच्ची भक्ति, समर्पण और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी अद्भुत किस्से लाएं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हरे कृष्णा ATM को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा। राधे राधे।